रेडी रेडी स्टार्ट। श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि यह तो एक वर्ग है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी ही है, लेकिन दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी है, उस पर विचार करें। मेरे ख्याल से दूसरा वर्ग वह है जो कि दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात जरूर है कि मजदूरों में भी कई वर्ग हैं। एक ऐसा मजदूर वर्ग है जो बड़े बड़े कारखानों में काम करता है, संगठित है, संघर्ष करता है, लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मजदूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मजदूर को 200-250 रुपये महीना वेतन मिलता है, लेकिन एक मजदूर के साथ ही वह दूसरा मजदूर भी है जिसे एक दिन में 10 या 12 घंटे काम करने के बाद भी 2 रुपया या 2.5 रुपये ही नसीब नहीं होते। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इस असमानता को दूर करना चाहिए। बड़ी ऊंची आवाज में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी दौलत है, सारी आर्थिक शक्ति केंद्रित है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूँ जिसमें पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। वह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मजदूरों का। यद्यपि बीड़ी एक मामूली सी चीज दिखाई देती है और कई लोग बीड़ी की जब बात आती है तो उसे नफरत की निगाह से देखते हैं, मगर यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। वह महत्व इसलिए है कि इसमें मजदूरों के रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश में लगभग 20 लाख मजदूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं और एक बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति पर आश्रित रहने वालों का हिसाब लगाया जाए तो 2 या 3 लोगों के हिसाब से लगभग 90 लाख लोगों का यह सवाल है। इस उद्योग में जो वेतन निर्धारित किया गया है वह बहुत ही कम है, अतः सरकार को चाहिए कि इस उद्योग में कार्यरत मजदूरों को वेतन समान रूप से मिलना चाहिए। श्रीमान, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी बहस में जिसमें
पूरक मांगे पेश की गई हैं और जो इस वर्ष में ज़्यादा खर्चा हो गया है उसकी मंजूरी के लिए एक दूसरी ही मांग पेश की गई है। मुझे आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। 2 बजे से यह बहस शुरू हुई है और अब 6 बज रहे हैं। करीब करीब 4 घंटे यह बहस हुई है। मैं तो उन माननीय सदस्यों का आभार मानता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया और यह इस बात का सबूत है कि रेलों के संबंध में लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी है। जिन सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया है मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सभी माननीय सदस्यों ने रेलों में जो सुधार हुए हैं उनकी सराहना की है और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जिससे कि और अधिक सुधार किया जा सके। महोदय, यह तो पूरक मांगों की बहस थी लेकिन शायद इस माननीय सदन का यह नियम है कि अगर पूरक मांगों का प्रस्ताव किया जाए तो एक साधारण बहस छिड़ जाती है। जब बजट पेश किया जाता है तो उस वक्त भी वाद विवाद होता ही है। तरीका तो यह है कि पूरक मांगें जब पेश की जाएं तो जिन मुद्दों पर वह पेश की गई हैं उन पर ही बहस की जाए। इस सदन में भी और दूसरे सदन में भी मैंने सुना कि तरीका यही है और बहुत दिनों से वह चला आ रहा है कि इस पर भी साधारण बहस हो। मान्यवर, साधारण बहस इस पर हो गई। आपने स्वयं इसमें हिस्सा लिया। यद्यपि आज जो लोग बोले मालूम होता है कि विरोधी दल के नेता के कहने से बोले। कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि यहाँ पर इतनी बातें कही गई हैं कि सब बातों का उत्तर देना संभव नहीं है। साधारण बहस जो बजट के समय आरंभ हुई है वह 2 दिन चलती है। उसमें जो बातें उठाई जाती हैं उनका उत्तर आता है। यहाँ पर तो तत्काल बहस की गई इसलिए सब बातों का उत्तर देना न तो संभव है और न इसकी कहने की आवश्यकता है। बहुत सी बातों के बारे में तो साधारण बजट पर बहस का उत्तर देते समय सदन में विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। कई बार हम देखते हैं कि बजट पर काफ़ी बहस एवं विचार विमर्श होने के बाद भी कोई कारगर हल नहीं निकल पाता है। ब्रह्म